भोजपुरी श्रोतागण दर्शक और जो भी हमें देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मैं अरविंद अगलकल्लू बार बार प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग अपने न्यू फिल्म मैं नागिन तू सपेरा की शूटिंग बॉम्बे में कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर हैं अरविंद चौबे जी और प्रोड्यूसर भी वो खुद ही है। तो और इसकी शूटिंग पहले आउटडोर हम लोग करके आ चुके हैं। आज हम लोग बॉम्बे मठ में कॉलेज का जितना सारा सीन है सब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, कॉलेज में तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आज कॉलेज का सीन करके बड़ी मतलब गर्व महसूस होता है कि चलो पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन कॉलेज वाला पढ़ाई तो देख लिए कि क्या होता है क्या नहीं। तो जो कॉलेज में मस्तियाँ लड़के लड़की करते हैं वो आज हम लोग ऑन द सेट करते हैं। यहाँ पे दूदू को गर्लफ्रेंड है और जो हमारी टीचर है वो भी हमारी गर्लफ्रेंड है। ये देखिए टीचर है हमारी। वाह, मेरी किस्मत की ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है मुझे। जी प्लानिंग में है कि स्टूडेंट को लेके निकल लूँ, 9-11 हो लूँ मैं, और इतने सारे एक साथ मिल चुके हैं तो चॉइस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने फिर चॉइस किया कल्लू जी को। और कल उन्होंने लाइव में बोल दिया मेरे बॉयफ्रेंड है, उसको लेके बहुत बवाल हुआ है सोशल मीडिया पर। सुनी है कि जब से सुनी है कि टीचर और स्टूडेंट का चल रहा है तब से एकदम शॉक में शांत हो गई, शांत हो चुकी, कुछ बोलती ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा लफ्ज। हाँ, उसके पहले वो इतना बोलती थी, जब से उनको खबर लगी तब से एकदम से शांत हो गया, लग रहा है मौन व्रत रख लिया है इन्होंने, सिर्फ ऐसी करती है। मतलब अंदर से रोती है तो हंस देती है, अंदर से रोती है, है ना चांदी जी? जलस हो रही है टीचर और शिष्य को देखना। अच्छा जलस हो रहा है, भगवान ऐसा जलस सबको हो। तो यही मस्ती आप देख ही रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। और जो हम लोग के प्रोफेसर हैं आनंद बाबा, तो अब जब आनंद बाबा हैं तो आनंद आएगा ही, सीमा जी हैं तो हम लोग धीमा तो चलेंगे नहीं, कीमा बना देंगे। ये हमारे सभी ऑडियंस का डिमांड था जब भी हम लोग एल्बम करते थे, तो आज भी यूट्यूब के जब गाने रिलीज होते थे तो नीचे कमेंट्स आते थे, भैया इनको फिल्म में जल्दी लाइए, भैया इनको फिल्म में जल्दी लाइए। तो देखिए ऑडियंस हमारी भगवान है, दर्शक जो बोलती है हम लोगों को करना, हम सभी आर्टिस्टों का फ़र्ज है कि वो जो बोल रहे हैं उसको हम लोग करें। तो उनका डिमांड है, और अरविंद चौबे जी ने जब हम लोग का गाना देखा छठ वाला, तो वो बोले कि नहीं इनको हमारी एक फिल्म में लाना है। तो बड़ी खुशी की बात है कि उनके होम प्रोडक्शन में चांदनी जी हमारे साथ लॉन्च हुई, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चलिए कोई तो हमारे साथ अच्छी आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, फर्स्ट फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि पहली फिल्म है इनकी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कल्लू जी के साथ लॉन्च हो रही हूँ। एससीआर इट और जेंडर तो वो ट्रांसफर कर मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कल्लू जी के साथ लॉन्च हो रही हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर अरविंद चौबे जी का, और धन्यवाद करना चाहूँगी कल्लू जी का और कल्लू जी के पापा जी का। थैंक यू सो मच। हाँ, जो मुझे बोलना था वो तो सीमा दी ने खुद ही सब बोला। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, और जैसे अभी तक आप लोगों ने हमारे सारे एल्बम को इतना लाइक किया, उसी तरह इस मूवी को भी आप लोग पसंद करिए, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम भी अरविंद सर के साथ और कल्लू जी के साथ सीमा मैम के साथ जरूर काम करने को मिले। और मुझे स्टार बनाने में सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक से ही मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, जिसकी वजह से हमें कल्लू जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं नागिन तू सपेरा का सस्पेंस अगर बोला जाए कि क्या क्या है इस फिल्म में, तो बहुत कुछ है। पहली बार मैं हमको पब्लिक नाग नागिन वाले फिल्म में, जानवर वाले फिल्म में देखेगी, और सपेरा भी बना हूँ, नागिन निधि झा जी हैं तो काफ़ी इंजॉय करेंगे, और साथ में चांदनी सिंह जी हैं, तो और इस फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो आप लोग भी जब फिल्म आएगी तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, क्योंकि अरविंद चौबे जी का जो टेस्ट है वो सभी ऑडियंस जानती है। इसके पहले भी उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे फिल्म किए, हुकूमत किया, त्रिदेव किया, तो वो भी जानते हैं, दिलबल दीवाना किए हैं तो वो भी जानते हैं कि कल्लू क्या करता है, तो वो हमारे टेस्ट को जानते हैं, तो इसलिए इतना अच्छा टेस्ट यहाँ पे ला के परोसे। सबसे पहले तो हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं पापा जी को, कल्लू जी के पापा को, जिनकी वजह से मुझे ये मूवी मिला।
तो इसके लिए थैंक यू सो मच अंकल जी बहुत ज्यादा। मैं जब से आई तब से तो मैं इनको देख रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही है। इसमें मैं प्रोफेसर बनी हूँ और आनंद मोहन जी साथ में है और बहुत नोकझोंक है हम लोगों की जो दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। हमारे डायरेक्टर साहब सामने खड़े हैं जो बोल रहे हैं चलो चलो चलो, तो इसलिए मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ। बाकी आप लोगों ने कॉमेडी करते हुए तो मुझे देखा है तो इसमें भी कॉमेडी का तड़का ही लग रहा है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए।